वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ जुलाई से 5th जुलाई के वीक में करेंसीज में कैसे बिहेव किया एंड फ्रॉम हियर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक का जो डॉलर इंडेक्स है क्लोजिंग है, इट इज एट 104.87। यहाँ पे 4 हफ्ते से एक अपमूव देने का प्रयास किया, जिसका मोर देन 70-80% डैमेज एक ही हफ्ते में हो चुका है एंड एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ ये क्लोजिंग दिया हुआ है। एंड यहाँ पर भी आपका जो रेजिस्टेंस RSI टुक रेजिस्टेंस एट 60 एंड बेंट डाउन, यानी अभी देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि RSI टर्म्स में ये एटलीस्ट RSI 40 तक जाना चाहिए। एंड प्राइस के हिसाब से हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है 104.00 से 104.30 का एक सपोर्ट लेवल है। क्या नेक्स्ट वीक में यानी मंडे ऑनवर्ड्स इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन इजीली कर पाएगा या आने वाले समय में और थोड़ा टाइम लेगा, ये हमें देखना है। GBP डॉलर में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया हुआ है पिछले हफ्ते में एंड इट क्लोज एट 1.2812। अभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है एट 1.2850 से 1.2880 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इस GBP डॉलर को। इफ इट हैज टू मूव टुवर्ड्स 1.31 इन सच ए केस इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ना पड़ेगा। मेजर हर्डल क्या है? RSI करेंटली एट 59.73। क्या ये RSI 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा या रेजिस्टेंस लेके दोबारा बैंड डाउन होगा, ये हमें देखना है। GBP INR जो वीकली क्लोज इट्स अगेन ए स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ने का चैलेंज कर रहे हैं। एंड RSI आल्सो ब्रोकन अबोव 60, क्लोज्ड एट 62.08। प्राइस हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है आपका 107.40 से 107.80 के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। क्या आने वाले समय में इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चले जाते हैं आपका GBP INR? यूरो डॉलर में भी लास्ट वीक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोज हमने देखे हैं यूरो डॉलर पे एंड इट क्लोज्ड एट 1.0838। अभी हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका 1.09 1.0920 का। This is expected to act as a major hurdle. Also, RSI weekly close दिया है 53.42. So, ये 60 के आसपास आने के बाद एक resistance लेने का expectation से। Also, अगर हम weekly price को थोड़ा narrow down करके देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक triangle type का formation हो रहा है। क्या जब तक इस triangle के upper and lower एंड के बीच में रहेगा तब तक साइडवाइज चौपी बिहेवियर रहेगा, सो तब तक हम एक वन साइडेड डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ ऊपर की तरफ मूव करना होगा। एंड यूरो INR यहाँ पर भी वीकली में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ एट 90.46। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो अभी एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है इन केस यूरो INR को फर्दर अप मूव करना है। RSI आल्सो 55.11, जब तक ये 60 को ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं करते तो प्राइस में भी मेजर कोई अपवर्ड बायस हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो ट्रेंडेड मूव के लिए RSI हैज टू क्लोज अबव 60 विद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग्स। येन डॉलर येन का जो एक डोजी कैंडल बन रहा हुआ है उसे वीकली क्लोज एट 160.76 आफ्टर मेकिंग एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 161.95। डॉलर येन में हमारा एक्सपेक्टेशंस ये है कि 164 एक टारगेट है, उसके बाद 168 का एक टारगेट है। तो यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है BOJ का, जो एक कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये डोजी का क्या है? इट्स अ पॉज कैंडल, यानी हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे फर्दर पुलबैक, नीचे की तरफ हल्का सा पुलबैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
एन आई एन आर पे भी एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है जो एट 51.88। यहाँ पर भी हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था, इन केस बीओजी इंटरवीन नहीं करते इन सच केस, 50-50 का 0.5050 का एक है एन आई एन आर में, स्पॉट में एक का टारगेट हमारा एक्सपेक्टेशन से। क्या ये होता है या बीओजे स्ट्रॉन्गली इंटरवीन करके प्राइस को अप मूव ऊपर के मींस डॉलर येन को अप्रिशिएट करवाते हैं एंड विस अभी रूपी भी ऊपर चले जाते हैं अगेंस्ट येन, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में जो वीकली क्लोज दिया हुआ है इट्स ए टाइप ऑफ स्पिनिंग टॉप, एक नेगेटिव कैंडल बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू साइड्स। ये जो प्राइस रिजेक्शंस ऑन द हायर एंड है इसके ऊपर रेजिस्टेंस काफी ऊपर की तरफ है, लेकिन नीचे की तरफ जो प्राइस रिजेक्शन हुआ है एक सपोर्ट लेवल पे ये प्राइस रिजेक्शन हुआ, सपोर्ट लेवल इज 1.36 1.3620 का। जब तक इस जोन सपोर्ट 1.36 एंड रेजिस्टेंस 1.3850 इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक इसी रेंज के अंदर में टू वे चौपी वॉलेटाइल बिहेवियर करने का एक्सपेक्टेशन है। अभी ऑसी डॉलर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ एट 0.6747। यहाँ पे आप देखोगे जब ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिस बॉक्स के नीचे फॉल्स ब्रेकआउट डाउन के बाद हमारा ये एनालिसिस था कि ये अपर एंड हायर एंड ऑफ द जो जोन है वहां तक जाएगा, वो चला गया था। उसके बाद ये फिर फॉल्स ब्रेकडाउन किया एंड नीचे के तरफ आना था। जब ये नीचे के तरफ आ रहा था ये 27 मई वीकली क्लोज के नीचे, हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि 0.6450 की तरफ या 0.6480 की तरफ ऑसी डॉलर मूव करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वाले हफ्तों में हमने देखा प्राइस कंसोलिडेशन। प्राइस कंसोलिडेशन के बाद हमें ये लग गया था कि शायद ये इमीडिएट जो हाई है, स्विंग हाई है 6720 का, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाने वाला है। इसका रीजन क्या था, जब भी एक सेलिंग होता है सेलिंग इज फर्स्ट एंड फ्यूरियस। अब देखोगे यहाँ से जो सेलिंग आया फर्स्ट एंड फ्यूरियस, यहाँ से आप सेलिंग देखोगे फर्स्ट एंड फ्यूरियस। जब भी मेजर सेलिंग आते हैं सेलिंग इज गोइंग टू बी फर्स्ट एंड फ्यूरियस, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट एंड फ्यूरियस हुआ नहीं, रदर इस जोन पे 10 जून 17 जून में टाइम पास कर रहा था। तभी हमें ये एक एक्सपेक्टेशन था, अंदाजा था कि शायद ये हाई को तोड़ के, रिसेंट स्विंग हाई को तोड़ के इट इज मूविंग टुवर्ड्स 6070 की तरफ, एंड इस हफ्ते में ये इमीडिएट जो स्विंग हाई है 0.6720 का, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोज दिया हुआ है। यानी आने वाले दिनों में हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 6850 से 6890 की तरफ ये जानना चाहिए। सीएनएच वीकली क्लोज दिया हुआ है 7.2860। यहाँ पे हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस सस्टेनिंग अबोव 7.292950 देन सीएनएच इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 7.33। यहाँ पे हमने क्या देखा, पिछले हफ्ते में ये रेस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस को एंड करंट वीक में क्या हुआ, ये ऑल्दो इट ट्रेडेड हाई ऑफ 7.3065 लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड क्लोज्ड बिलो द डेंजर जोन। सो ये जो डेंजर जोन के नीचे क्लोज दिया है इट्स अ रेस्पेक्ट फॉर आवर डॉलर पे पर्पस व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड रिपीटेडली डिस्कसिंग। सो जब तक ये इसके ऊपर फर्स्ट एंड फ्यूरियस मूव नहीं करेगा इट इज वेरी गुड फॉर आवर डॉलर पे पर्पस। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड जो स्पॉट चार्ट है, ये एक बैक टू बैक चार पॉजिटिव कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ ऊपर की तरफ फ्रॉम एन स्विंग लो ऑफ 76.50 से ये अप मूव किया 86.43। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए कुछ सर्टेन थिंग्स हमें देखना है। पहला है RSI इज 55.60, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि 60 इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ब्रेंट क्रूड को अगर ऊपर फर्स्ट एंड फ्यूरियस मूव करना है इन सच केस आरएसआई को 60 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये थोड़ा मूव के बाद बेंड डाउन होके एक नीचे की तरफ एक सेलिंग आ सकते हैं। ये सेलिंग के लिए हम क्या देख सकते हैं, डेली चार्ट में एक नेगेटिव कैंडल का हमें इंतजार है
ऑलरेडी ये नेगेटिव कैंडल आ चुका है। दैट बीइंग द केस, अभी यहाँ पे ये जो आपका 3 जुलाई का लो है, 3 जुलाई के लो के नीचे अगर मंडे ऑनवर्ड्स कभी भी इसके नीचे क्लोज देते हैं, इस लेवल के नीचे, क्या लेवल है ये आपका 85.70, इसके नीचे अगर क्लोज देते हैं, इन सच ए केस थोड़ा सा सेलिंग एक्सपेक्टेड है ऑन ब्रेंट क्रूड, ये स्पॉट चार्ट के हिसाब से। US 10-year treasury weekly एक strong negative candle के साथ close दिया है at 4.282, जो अभी भी ये जो recent swing low है 4.18, इसके low के नीचे close नहीं दे पाया, इसके low के नीचे close देगा तो एक further weakness towards 4.05 हम expect कर सकते हैं US 2-year treasury में, लेकिन इस जो low है, swing low है, इसको तोड़ के नीचे close दिया हुआ है। That being the case, यहाँ पे कुछ सर्टेन मेजर शिफ्ट यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से एक्सपेक्टेड है, यानी प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटिंग दैट फैक्टर। सो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन फेड गवर्नर के दिमाग में, कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है? शायद ये आने वाले दिनों में जो लास्ट 9 मंथ से एक एडामेंट एटीट्यूड मेंटेन कर रहे थे कि जब तक यूएस इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा, सॉफ्ट नहीं होगा, तब तक हम कट नहीं करेंगे, उस देयर इज अ शिफ्ट इन देयर पर्सपेक्टिव। वो हमें आने वाले दिनों में और भी फर्दर मॉनिटर करना है, क्या ये शिफ्ट है। शिफ्ट होता है तो क्या मेजर चेंजेस हो गया, द डिफरेंस बिटवीन यूएस 10-year ट्रेजरी एंड यूएस 2-year ट्रेजरी, जो काफी समय से ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व से इन्वर्टेड यील्ड कर्व में है। पहले पीक टाइम पे ये मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स में सस्टेन कर रहा था, और ये जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता है, नॉर्मलाइज बोले तो यूएस 2-year ट्रेजरी शुड मूव बिलो यूएस 10-year ट्रेजरी वैल्यू। अभी भी ये 33 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होता जाएगा एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यूएस 2-year ट्रेजरी का जो वैल्यू होगा lower than the US 10-year treasury, in such a case normalcy is expected in the market. Kya ye hone wala hai, ye hume dekhna padega. And finally is our dollar rupee part, dollar rupee jo weekly close diya hai 83.48, nothing new, upar ki taraf 83.50-70 and niche ki taraf 83.80 to 83.00 with a minor support at 82-83.20-25 levels mein. So yahan pe ek console consolidations कर रहे हैं, major consolidations may lead to major volatile choppy move, लेकिन कब होगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि mighty invisible hands अच्छे तरह से इस level को defend कर रहे हैं। लेकिन history गवाह है, क्या गवाह है, कि कोई भी एक particular level को infinite time के लिए invisible hands ने restrict या protect कर नहीं पाया, कभी ना कभी ये ब्रेक होने वाला है, लेकिन हमें देखने वाला है क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके ऊपर हमारा करीब नजर होगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।